जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ खत्म हो चुका है, क्या कहेंगे आप, क्या जो आश्वासन दिए हैं वो पूरे हो भी पाएंगे? आई होप फॉर द बेस्ट एंड द होप इज समथिंग विच शैल नेवर गो एंड आई एम श्योर दैट ऑल द पुलिस पर्सनल हु प्रोटेस्टेड टुडे एंड हु हैज नाउ डिस्पर्स्ड पीसफुली दे आर ऑल्सो गोइंग विद दैट होप एंड द दिल्ली पुलिस विल टेक ऑल विच नीड्स टू बी डन टू एंश्योर दैट थिंग्स आर यू नो रिजॉल्व इन अ मैनर दैट जस्टिस ब्रॉट टू वन एंड एवरीवन। सर सुबह से ये बात चल रही थी, दिल्ली पुलिस जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो उतावले थे खत्म करवाने को, और अभी भी जो आरोप लगा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती बंद करवा दिया गया प्रोटेस्ट, ऐसा क्यों? नो दैट इज़ नॉट ट्रू। आप लोग यहाँ पे खड़े हैं सवेरे से और आप ये देख रहे हैं कि अभी जो जितने पुलिस ऑफिसर्स गए हैं वो जो CP साहब की लास्ट अपील जब आई है उसको सुनकर और उससे सेटिस्फाई होकर गए हैं, तो ये कहना कतई गलत होगा कि उनको जबर से हटाया गया है। और उसका ये भी उदाहरण है कि जब डिस्पर्स हुए हैं तो अभी तक कोई जो है ऐसी शिकायत नहीं आई है जहाँ पे कि उन्होंने किसी पब्लिक के आदमी को परेशान किया। आपके सब कुलीग्स हैं, जिस तरीके जो घटना हुई मारपिटाई जो पुलिस के साथ रोजाना हो रही है, क्या कहेंगे, कितनी ज़्यादा निंदनीय है और आप क्या सोचते हैं? बड़े आई एम श्योर कि जब जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठा है इसके सारे सामने सारे साक्ष्य पेश किए जाएंगे और जो भी इंक्वायरी के लिए जो भी ऑफिसर्स को बुलाया जाएगा दे विल प्रेजेंट ऑल द एविडेंसेज विच आर इन फ्रंट ऑफ अस। थैंक यू। तो ये जॉइंट CP थे जिन्होंने एक्सक्लूसिव हेडलाइंस इंडिया पर बातचीत में ये बात कही कि आखिरकार जिस तरीके से जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था उसको अचानक क्यों बंद कर दिया गया, तो उन्होंने कहा ऐसा कतई नहीं था, आपने लगातार देखा है ऐसा कतई नहीं था और ज़बरदस्ती बंद नहीं किया है, सारा हो चुका है, उनकी मांगों को मान लिया गया है और आगे जो कुछ होगा उस पर बैठ कर विचार करेंगे। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, दिल्ली, हेडलाइंस इंडिया।